वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए खेरिया रायहान पब्लिक मिशन से वैकेंसी लेकर के आई हूँ, जो कि मालदा से आई हुई है। इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की वैकेंसी के अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे फीमेल और मेल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो, आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट डेट है 7th सितंबर, यानी कि आज ही लास्ट डेट है। एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी कल, यानी कि 8th सितंबर को। तो सुबह 10 बजे ये इंटरव्यू होगी। और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बंगाली, पियोन, ये सब का रिक्वायरमेंट है। और क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मैथमेटिक्स के लिए बीएससी ऑनर्स और पास होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए बीए होनी चाहिए ऑनर्स और पास, बंगाली के लिए भी बीए होनी चाहिए ऑनर्स विथ एमए भी होनी चाहिए बंगाली के लिए, ठीक है। बंगाली के लिए एमए होना ज़रूरी है, पियोन के लिए 8th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरियाज आप लोग मीट करते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये वैकेंसी आई हुई है खेरिया रायहान पब्लिक मिशन से, जो कि मालदा से आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स एजुकेशन से, जो कि एक बीएड कॉलेज है। यहाँ पे पढ़ाने के लिए कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट है एंड प्रिंसिपल का भी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, 10 असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अरेबिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन फॉर बीएड कोर्स, एक लाइब्रेरियन का रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन आप लोगों का एज पर लेटेस्ट एनसीटी नॉर्म्स होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों का एमएड एंड नेट होना ज़रूरी है। और कुछ कॉलेज चांस देता है विदाउट एमएड एंड विदाउट नेट, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, अगर चांस मिले तो बहुत ही अच्छा है। एंड विद इन 7th सितंबर आप लोगों को अप्लाई करना है, आज ही अप्लाई कर दीजिए, आज लास्ट डेट है। तो ईमेल करना होगा आप लोगों को indianacademykolkata@gmail.com पे, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और बीएड रहने से भी, ओनली बीएड रहने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज चांस दे देता है। इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स एजुकेशन से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कोलकाता से ये वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।